म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र भी नहीं आ रही, और नियर फ्यूचर में वहाँ पर केओस और डिस्टेबलाइजेशन नज़र आ रही है। हुआ कुछ यूँ है कि जो ट्रेड है दोनों मुल्कों का, जो कि मोस्टली ये जो नाफ रिवर है जो कि बेसिकली बॉर्डर है एक तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके दरमियान जो ट्रेड हो रहा होता है उस रिवर के ज़रिए वो बंद हो गया है, और इसकी वजह लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है जो कि बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर है। वहाँ पर प्रॉपर जंग चल रही है अराकान आर्मी और म्यांमार के मिलिट्री जनता के दरमियान। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया हुआ है कि म्यांमार कन्फ्लिक्ट हॉल्ट्स ट्रेड थ्रू नाफ रिवर, और वो कहते हैं द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द म्यांमार मिलिट्री एंड आर्म्ड इंसर्जेंट्स हैज फोर्स्ड बिजनेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स टू सस्पेंड ट्रेड थ्रू द नाफ रिवर। और इसके अलावा जो शेल्स हैं, अब देखिए बॉर्डर के इतने पास ये लड़ाई हो रही है कि शेल वहाँ से मार रही हैं अराकान आर्मी वाले या मिलिट्री जनता वाले, अगर वहाँ से मार रहे हैं तो वो आके गिर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और पिछले 24-48 घंटों में बहुत सारे शेल बांग्लादेश के अंदर आके गिरे हैं। खुशकिस्मती के साथ बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन शेल ज़रूर गिर रहे हैं वहाँ पर, और नुकसान हो भी सकता है। प्रोथमलो ने रिपोर्ट किया हुआ है कि अनदर मोर्टर शेल फाउंड इन वेजिटेबल पैच एट गुमदुम बॉर्डर, और इसमें वो कह रहे हैं आज 6:30 बजे हमें जो है सैटरडे को मॉर्निंग को सुबह को ये शेल हमें मिला है, और म्यांमार की जो फौज है उसने आके इसको नाकारा बनाया है। ना सूरत हाल वहाँ पर चल क्या रही है, इस पर ज़रा बात करते हैं। देखें ये तो बहुत अरसे से लेके बांग्लादेश सूरत हाल फेस कर रहा है, जब से वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ है तो इट वॉज़ कमिंग, अगर कोई माने ना माने इट वॉज़ कमिंग। मैंने पहले ही यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में कह दिया था कि ये मसला क्रिएट होगा बांग्लादेश के लिए। उस वक्त असल में सीज़ फायर हुई पड़ी थी दोनों के दरमियान, अराकान आर्मी के दरमियान और मिलिट्री जनता के दरमियान सीज़ फायर थी, तो इसीलिए बांग्लादेश भी कुछ ज़्यादा इस पर चिंतित नहीं था। लेकिन अब वो सीज़ फायर टूट चुकी है तो अब ज़्यादा ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन ये आज से नहीं हुआ, ये खिचड़ी पक रही थी, लावा पक रहा था, वॉल्केनो पक रहा था और ये फटा है अब जाके। अच्छा अब क्यों फटा है, सबसे पहले जो इस पे आते हैं ना, अब क्यों फटा है इस पे बाद में आते हैं कि अब करना क्या चाहिए बांग्लादेश को, इस पे थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन पहले जरा मैं आपको ये बता दूं कि चक्कर क्या चल रहा है वहां पे। देखिए अक्टूबर से लेकर मिलिट्री जनता वाले आई हैव टू से इंतहाई डफर किस्म के जनरल्स हैं उनके, और वो कहते हैं ना हर चीज़ को बाय फोर्स बस लगे हुए थे हमारे पास, क्योंकि मिलिट्री है तो हम तो बस खींच लेंगे हर एक को, और जो हमारे सामने आएगा तो हम उसको क्रश कर देंगे। पब्लिक के साथ नहीं लड़ सकता कोई भी नहीं लड़ सकता, आज तक दुनिया की तारीख में पब्लिक से कोई नहीं जीता। तो सियासी मसाइल जो है मित्रों सियासतदानों को ही हल करने दें, इस तरह से ये जो आंग सान सू की वालों को और दीगर पॉलिटिशियंस को बंद करके बैठे हुए ना, इससे मसले हल नहीं होंगे। पॉलिटिशियंस जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। मिलिट्री जनरल्स और आम आवाम के दरमियान हमेशा एक गैप होता है, पॉलिटिशियन होता ही पब्लिक से है, उसकी नब्ज पकड़े हुए होता है पब्लिक की, तो पब्लिक जो है ज्यादा पॉलिटिशियंस को सुन रही होती है। जनरल कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो इवेंचुअली वो डाउन जाता है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की, और जिसके बारे में चाइना और बहुत सारे मुल्क इनको कह रहे थे कि अपना तरीका सुधारें, इन्होंने लंबे अरसे से पॉलिटिशियंस को कैद करके रखा हुआ है और उनको वो बाहर नहीं आने दे रहे, और ये मिलिट्री के जरिए इतने अरसे तक मामला चलाते रहे। तो अब हुआ ये कि जो वहाँ पर गुरिला फोर्सेस थी जो कि ऑलरेडी मौजूद थी पहले भी, वो मजीद ताकतवर होती चली गई, और पब्लिक के अंदर ये अपनी जो रेपुटेशन है और पब्लिक के अंदर ये जो अपनी एक वैल्यू है वो गिराते चले गए। गुडविल इनकी जो थी बिल्कुल डाउन होती चली गई, और ये पॉलिटिकल कैपिटल अपना जो थोड़ा बहुत इनका था वो भी ड्रेल हो चुका है इनका। अब हुआ ये कि वो जो सीज फायर थी वो टूट गई दोनों के दरमियान अराकान आर्मी के दरमियान, लेकिन मसला इससे बड़ा क्रिएट हुआ है। अराकान आर्मी के अलावा दो और बड़ी तंजीमें हैं, दो और बड़ी गुरिला फोर्सेस हैं म्यांमार के अंदर जिन्होंने मिलके एक ब्रदरहुड अलायंस बनाया है वहां पे, और तीनों मिलके कार्रवाइयां कर रही हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं चल रही, इंडियंस से पूछे उनके भी सर में दर्द हुआ पड़ा है, इंडियंस का पूरा बॉर्डर हॉट हुआ पड़ा है, और इंडियंस को इतना वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है कि वहां पर भी यही मसला है। अच्छा ये जो बांग्लादेश के अंदर 330 वुड यू बिलीव दैट 330 म्यांमार के फौजी घुस के आ गए बांग्लादेश के अंदर जान बचाने के लिए, क्योंकि फेंटी लगी है वहां पर म्यांमार के जो ये जो अराकान, वो तो खुदा का शुक्र है कि बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर छोटा सा है, असल मसला तो इंडिया के साथ है, छोटा सा बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार का, वहां बड़ा बॉर्डर है इंडिया का, तो ज्यादा मसला इंडिया के लिए क्रिएट होने वाला है। लेकिन इस छोटे से बॉर्डर में भी हुआ यह है, लड़ाई तो चल रही है ना, वो भी तो हॉट बॉर्डर है, लाइव बॉर्डर है बांग्लादेश का और इनका,
तो 330 बंदे इनके अंदर घुस के आ गए जान बचा के बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार मिलिट्री जनता के फौजी। आज उन्होंने म्यांमार मिलिट्री जनता वालों ने जहाज भेजा हुआ है और ये फौजी बांग्लादेश वहां पर उनको बोल रहे निकलो भाई, ये कहां घुस के आ गए, उधर जहाज आ रहा था म्यांमार का उनको लेने के लिए, ये जो समुन्द्र का जहाज होता है तो वहां से जा रहे हैं वापस। अच्छा, तो ये जो अराकान आर्मी है इसकी लड़ाई एक तो चल रही है यहाँ पर अराकान स्टेट के अंदर, लेकिन अराकान आर्मी के अलावा वो जो ब्रदरहुड अलायंस है उसमें एक तो तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी है जो कि ज्यादातर इंडिया के बॉर्डर जो है ना उस वहां पर ये एक्टिव है, और दूसरा म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, ये भी इंडिया के बॉर्डर पर एक्टिव है, वो बॉर्डरिंग एरियाज जो है वहां पर एक्टिव है। तो ये तीन ग्रुप्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया हुआ है मिलके, सीज फायर खत्म हो गई, ये तीनों ने मिलके लॉन्च किया हुआ है ऑपरेशन 1027 अक्टूबर से लेके, गुज़िश्ता अक्टूबर से लेकर इंतहाई सक्सेसफुल रहा है, बहुत सक्सेसफुल। इन्होंने लिटरली उन्होंने तिगनी का नाश नचा के रखा हुआ है म्यांमार की मिलिट्री जनता को। अराकान आर्मी की अगर आप बात करें तो बहुत बड़ा ग्रुप है, 38,000 लोग हैं इसके अंदर, 38,000 फाइटर्स हैं इनके पास अराकान आर्मी के पास। अच्छा, म्यांमार की मिलिट्री जनता की अपनी जो साइज है वो 3,25,000 के लगभग इनके पास एक्टिव फोर्स है, लेकिन जो गोरिल्ला फाइटर्स होते हैं उनको लंबी चौड़ी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है, उनकी साइज छोटी सी होती है, वो हिट एंड रन वाला किस्सा होता है उनका। लेकिन अराकान आर्मी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो डिफरेंट इस तरह से वो हिट एंड रन नहीं है, उन्होंने प्रॉपर अराकान स्टेट के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना के रखे हुए हैं और बड़े बड़े एरियाज उनके कब्जे के अंदर है। 38,000 की जो फौज है वो कब्जे के लिए इनफ होती है, कब्जा सस्टेन करने के लिए। तो एक तो ये है, और दूसरा ये जो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है ना, इसके पास 10,000 लोग हैं, 38,000 अराकान आर्मी के, 10,000 इसके, और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के पास भी 10,000 लोग हैं। तो ये कुल मिला के इनके पास जो है 58,000 से 65,000 या 70,000 लोग मौजूद हैं जो कि म्यांमार की मिलिट्री जनता से लड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज ये लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो 3,25,000 जो है मुल्क भर को उन्होंने देखना है, सारे म्यांमार के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंस रखनी है। इनके एरियाज जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, ये जो तीन तंजीमें हैं जो कि ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया हुआ है जिन्होंने, इनके सिलेक्टेड एरियाज हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, तो वहां पे अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने में शदीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है मिलिट्री जनता को। अब ऐसे में सवाल यह है कि बांग्लादेश को करना क्या चाहिए, मिलिट्री जनता के ऊपर मत रिलाय करें, सिर्फ उनके साथ टॉक्स में मत रहे, ये मैं मशवरा दूंगा बांग्लादेश के अंदर पॉलिसी जो भी बना रहे, ये जो है ना लूजिंग साइड है, ग्राउंड पे पतली इनकी हालत है, मतलब आप देख रहे हैं खुद ही कि इनके लोग भाग भाग के अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हार रहे हैं वहां पर बहुत सारे एरियाज के अंदर। तो सिर्फ इनके ऊपर मत रहे, यू हैव टू स्पीक विद चाइना, यू हैव टू स्पीक विद इंडिया, यू हैव टू स्पीक विद अराकान आर्मी आल्सो, अगर हो सके तो आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्टेक्ट्स बना के और कोई बड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ मिलिट्री जनता के ऊपर मत रहे आप, क्योंकि मिलिट्री जनता जो है ना वो कोई रिलायबल नहीं है इस हवाले से। यू हैव टू अडॉप्ट चाइनीज स्ट्रेटजी, चाइनीज जो है वो इन ग्रुप्स के साथ भी होते हैं रबते में, उनकी होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पर, तो वो उनके साथ रबते में रहते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है ना उनके साथ भी कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और उनको भी आपने कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो मार कुटाई है हमारे बॉर्डर से कम दूर ले जाएं भाई, अगर लड़ना है तो उधर जाके लड़िए, इधर कहाँ पे आके लड़ते हैं। और इसी तरह से मिलिट्री जनता के साथ आपने भी टाइज बना के रखने हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर आपने रिलाय नहीं करना, बिकॉज दे आर नॉट दी ओनली पार्टी, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आपने एक पार्टी से अलावा दूसरों से भी आपने यहाँ पर, इंडिया भी ऐसे ही कर रहा है बाय द वे, इंडिया भी रबतों में रहता है, बहुत सारे जो ग्रुप वहाँ पर लड़ रहे हैं इंडिया भी उनके साथ रबते में, तो यहाँ पर बड़ी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। मौजूदा जो स्ट्रेटजी है ना कि मिलिट्री जनता के ऊपर ही हम रिलाय करके बैठे रहे कि बस जो वो बोलेंगे तो ऐसा ही है, मतलब हम समझे कि ऐसा ही ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल ये नहीं है, वो हार रहे हैं वहां पे बेसिकली और फेंटी पड़ रही है उनको, वो लूज कर रहे हैं। सिर्फ यहां नहीं, इंडिया के अंदर भी सैकड़ों कई सौ उनके फौजी भाग के इंडिया आ गए और इंडिया वाले परेशान हैं इनको वापस कैसे भेजें हम वहां पे। लिहाजा एक बड़ी आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर बनानी पड़ेगी जो कि मिलिट्री जनता से ऊपर की हो और इसमें आपको कई सारे स्टेक होल्डर्स से बैठ के बात करनी पड़ेगी।